कैसी जो भी किसी जगह से हो, तो मैं आपका काम कर अदा करता हूँ। मैं जॉब करता था तो मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जॉब आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ले ली थी, एक कायनात की तो मेरी जॉब ख़त्म कर दी। तो मैंने बी एस आना एग्रीकल्चर प्लान टेक्नोलॉजी किया हुआ, एम एस बायोटेक्नोलॉजी, एम एस टेक्नोलॉजी, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास वो वर्ड नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में कह सकूँ। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और रोना भी आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी को जब देखते हैं तो कोई बंदा किसी की नहीं करता बात इस तरीके से, तो आम हालात में जब देखते हैं तो हर बंदा किसी के बारे में कुछ कर रहा होता है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका मौसम, आप यहाँ तशरीफ लाए और अपने कलमात से रुके। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मुझे खुशी हुई है कि अभी भी ऐसे लोग हैं, ये लोग अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं। ये बेचारे कोई अमीर लोग नहीं है, ये बड़े गरीब लोग हैं। मैं इस पर कर्नल साहब का शुक्रिया अदा करूँ, खालसा साहब का, शाहजहाँ साहब का, स्पेशली इनकी वेलफेयर का, मदरी वेलफेयर का, कि उन्होंने ये काम से अंजाम देने के लिए डेरा ताजी खबर का इंतखाब किया। मैं आप सब भाइयों को भी कहूँगा जिनको अल्लाह पाक ने कोई तौफीक दी है, आप इस काम में आगे हों। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी इस काम में आगे होंगे तो इंशाल्लाह ये हम लोग मिल बैठ के, किसी गवर्नमेंट की मदद से नहीं, खुद मिल बैठ के ये मसले हल कर लेंगे। आप सब भी आगे कदम बढ़ाए, जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, जितनी भी आप इस काम में, मैं भी इंशाल्लाह इनके साथ हूँ आज से। तो आप सबका शुक्रिया, अहले चकवाल का शुक्रिया, सबका।